अब ये रोड बन गया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। पहले दिक्कत होती थी ना? हाँ। क्या दिक्कत होती थी बताओ? आने जाने में बहुत धूल उड़ता था। अब सही है ना? हाँ। तो विधायक जी को धन्यवाद बोल दो। धन्यवाद। किसी प्रकार की कोई इसमें अगर बीच में गुणवत्ता में दिक्कत आएगी तो संबंधित अधिकारी और ठेकेदार दोनों को बख्शा नहीं जाएगा। मैंने पुरनका वाला हाल ना हो, पुरनका वाला हाल ना हो। गांव वाले रिपोर्टर मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं दिल से बता रहा हूँ, हृदय से कह रहा हूँ कि मुझे आपके कड़वे सवाल भी अच्छे लगते हैं, क्योंकि कड़वे सवाल आपके जो होते हैं वो आपके कोई पर्सनल हित की नहीं होती है, समाज के लिए और क्षेत्र के लिए होती है। छितौनी नगर पंचायत में कोविड काल में एक हॉस्पिटल बना, मुझे लगता है वो हॉस्पिटल चालू हो जाए तो इस क्षेत्र के लोगों के लिए एक नया लकीर हो सकता है, लेकिन वो भूख खा रहा है, खंडहर में तब्दील हो रहा है धीरे धीरे। पिछले कार्यकाल में जो है ये रोड बना था और कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन ये रोड 5 साल नहीं चल पाया, अब आपके कार्यकाल में बन गया, क्या उम्मीद करें 5 साल चल जाएगा? भाई साहब, गांव वाले रिपोर्टर विष्णु प्रभाकर का आप सबको नमस्कार है। खड्डा से पनियावा रोड, ये लोगों के लिए रोड होगा लेकिन मेरे लिए एक बड़ा आंदोलन था, और पिछले लगभग 2.5 से 3 सालों से गांव वाले रिपोर्टर लगातार खबर करते रहे। मुझे याद है कि कम से कम 3 दर्जन से ज़्यादा खबर खड्डा से पनियावा के लिए किया। पूर्व के कार्यकाल से शुरुआत हुई, नए विधायक बने विवेकानंद पांडे, उनके कार्यकाल में भी लगभग 10 से ज़्यादा खबर किया और विधायक जी के ऊपर आरोप भी लगाया और विधायक जी ने एक्सेप्ट भी किया। लेकिन जब कोई नेता अच्छा करता है तो उस बात की भी तारीफ होनी चाहिए। लगातार खबर, और ये कह सकते हैं कि गांव वाले रिपोर्टर जब कोई खबर करते हैं तो उसके तह तक पहुंचते हैं, तो आप सबके सामने आज आप रिजल्ट देखेंगे तो खबर का एक बड़ा असर। खड्डा से पनियावा रोड शानदार चमचमाती हुई रोड, और मैंने वादा किया था विधायक जी को कि आम जनता के लिए, जनता की सहूलियत के लिए अगर ये रोड अपने समय सीमा पे तैयार हो जाएगा तो गांव वाले रिपोर्टर विधायक जी को लड्डू खिलाएंगे। थोड़ा सा लेट हुआ लेकिन अच्छा काम के लिए विधायक जी को विधाई। सबसे पहले लड्डू खिला के जो है मुंह मीठा कराते हैं, उसके बाद बात करते हैं। विधायक जी बहुत बहुत बधाई। और ये गांव वाले रिपोर्टर के दर्शकों की तरफ से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मेरी तरफ से आपको मिठाई कि आपने इस सड़क को लेकर कई बार, हमें लग रहा है कि 2 से 3 बार मुझसे आपने सवाल पूछा था, आपका सवाल कड़वा रहता था लेकिन जनता हित में, क्षेत्र के हित के लिए होता था, और हम जैसे जनप्रतिनिधियों को अच्छा लगता है, कोई समाज के एक चौथे स्तंभ के रूप में आप लोग माने जाते हैं, और आप लोग जब आईना दिखाते हैं हम लोगों को और हमारी कमी को भी बताते हैं तो हम लोग उस कमी को स्वीकार करते हैं। सड़क में विलम्ब हुई, विलम्ब का कारण दूसरा था, जाँच में गई थी, जाँच रिपोर्ट विलम्ब से आई, इसके कारण से सड़क लेट से बनी। मेरे विधायक होते ही मेरा 2 सपना था, खड्डा पनियावा और खड्डा सिसवा, ये चुनाव के पहले भी वादा किया था 2 सड़क के लिए। पहला सवाल मेरा यही था, आपका ही सवाल था, जब मैं पर्चा दाखिला करने जा रहा था तो आप स्कूल पे आप आए थे, इंटरव्यू लिए थे, तो मैंने आपसे उस सवाल में ही कहा था, पर्चा दाखिला के दिन ही कहा था कि हमारी प्रमुख सड़कें 2 हैं, एक खड्डा पनियावा और एक खड्डा सिसवा, ये 2 सड़क महत्वपूर्ण है और दोनों बनना नितांत आवश्यक है। परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज, देश के यशस्वी मुख्यमंत्री, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से, लोक निर्माण मंत्री जीतन प्रसाद जी के आशीर्वाद से, आदरणीय केशव मौर्य जी के आशीर्वाद से, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में और कुशीनगर के यशस्वी सांसद माननीय विजय कुमार दुबे जी के आशीर्वाद से यह दोनों सड़क स्वीकृत हो गया। खड्डा पनियावा बनकर आपको उस पर आप खड़े हैं और आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि खड्डा सिसवा भी 10-15 दिन के अंदर कार्य प्रारंभ हो जाएगा। खड्डा सिसवा का टेंडर हो चुका, पीडब्ल्यूडी लोक निर्माण विभाग टेंडर जारी कर 41 करोड़ रुपये की सड़क, 41 करोड़ रुपया उस पर रिलीज हुआ है और टेंडर हो गया है। टेंडर की लास्ट बिक्री का डेट है 20 तारीख, 20 तारीख तक टेंडर बिकेगा, बड़ी सड़क है, 20 तारीख तक टेंडर बिकेगा, 20 तारीख के बाद टेंडर खुलेगा और टेंडर खुलने के बाद जो भी कॉन्ट्रेक्टर काम को पाएंगे बहुत जल्द, मुझे विश्वास है कि 1 महीना के अंदर उसका शिलान्यास हो जाएगा और शुरू हो जाएगा। उस सड़क की कोई टेक्निकल जांच नहीं करानी है। ये सड़क इसलिए विलम्ब हुआ कि एक FDR तकनीक से बना था, इसकी टेक्निकल जांच करवानी थी। उस सड़क में हमें कोई टेक्निकल जांच नहीं, उस सड़क की चौड़ीकरण कराना है, 7 मीटर चौड़ी बनेगी, उसमें 2 पुल, एक पुल बनेंगे, एक बंजारी पट्टी की बड़ी पुल बनेगी जो चौड़ा होगी, तो पुल का काम होगा लेकिन सड़क में कोई जाँच नहीं होगा। पहले मैंने अधिकारियों से कहा है कि पहले बगल से मिट्टी गिरा के
सड़क को जो 7 मीटर करना है उस 7 मीटर बेस को लीजिए और उसको पहले प्लान करिए और बगल में जो कोर करना उसको करिए कि यातायात भी आपका प्रभावित ना हो और काम भी होता रहे। उसमें मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द कार्य प्रारंभ किया जाएगा। तो पहले आप पहले मिठाई खाइए इसलिए कि ये उसके साथ साथ आपको और बता दें जहां आप खड़े हैं यहीं से और सीधे डोमन पट्टी जाने वाली सड़क कितनी बुरा हाल में थी, इसका खबर आपने चलाया नहीं था। मैं आपको बता रहा हूँ कि इस खड्डा पनियावा से ज्यादा खराब बसडिल्ला से डोमन पट्टी जो बुआ से पनिहावा सड़क जाती है लगभग 7 किलोमीटर है उसका भी हाल बहुत बुरा था। वो भी इसी तकनीकी से वो सड़क बन रही है। आप पकड़ियार से कौआसार जाइए, कौआसार से पकड़ियार भी बहुत बुरा स्थिति था, पकड़ियार से कौआसार भी सड़क उसी तकनीकी से बन रही है। ये 3 सड़क जो इस तकनीकी से नई तकनीकी से बनी है, बाकी आप खड्डा से बैसाह की और ये आप खड्डा से मदनपुर जाइए ये प्रमुख सड़कें हैं, लेकिन 3 सड़क का नव निर्माण हुआ है, खड्डा से पनियावा, बसडिल्ला चौराहे से डोमन पट्टी तक और पकड़ियार से कौआसार। ये 3 सड़क खबर आप एक पे चलाए थे, इस खबर का असर आपका आईना दिखाने का असर ये रहा कि 2 और सड़कें का निर्माण जल्द से जल्द प्रारंभ हो गया, इसके लिए आपको बधाई। ये सब तभी हो पाया है कि जब देश का यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का आशीर्वाद, उत्तर प्रदेश के परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज मुख्यमंत्री और आदरणीय केशव मौर्य जी डिप्टी सीएम और जितेंद्र प्रसाद जी लोक निर्माण मंत्री और हमारे कुशीनगर के कर्मयोगी सांसद आदरणीय विजय कुमार दुबे जी, इन लोगों के आशीर्वाद से ही सब संभव हो पाया है। तो पहले तो विष्णु भाई आपको मिठाई, मुझे जागरूक करने के लिए पूरा मिठाई खाना पड़ेगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। अब मैं ये कह सकता हूँ कि जो मेरा पहला सवाल था और आपका कार्यकाल का पहला एग्जाम खड्डा पनियावा खड्डा सिसवा, आप निश्चित ही अच्छे रैंक से पास हो गए हैं। थोड़ा हम लोग रोड पे चलते हैं, चलते हुए बात करते हैं। दूसरा एक सड़क और बहुत मूड़ है, हमारी विधानसभा की प्रमुख सड़कें हैं, एक खड्डा पनियावा थी, खड्डा सिसवा थी, तीसरा नंबर की हमारी प्रमुख सड़क है नेबुआ से जटहा, वो भी 41 करोड़ का है, वो भी बहुत जल्द उसकी स्वीकृति हो गई है, पैसा नहीं जारी हुआ है। मुझे विश्वास है कि 1 महीना के अंदर उसका भी पैसा जारी हो जाएगा। पैसा जारी होते ही नेबुआ जटहा 41 करोड़ रुपए की वो भी है, 11 किलोमीटर की सड़क 7 मीटर चौड़ी वो भी हो जाएगी, उसकी भी स्वीकृति हो जाएगी। चौथी हमारी प्राथमिकता की सड़क है, जिस बड़ी गंडक नहर की बात सब लोग करते हैं कि बड़ी नहर की सड़क पास हो गई, लेकिन मुझे आपसे बताते हुए दुख हो रहा है कि हमारे खड्डा विधानसभा का 11 किलोमीटर पार्ट अभी भी नहीं स्वीकृत हुआ है। बंजारी पड़ी से लेके चंदा पुल था, बंजारी पड़ी से लेके पड़रौना तक तो बना, लेकिन हमारे विधानसभा जो सबसे महत्वपूर्ण एरिया है बंजारी पड़ी से चंदा पुल तक, मुझे ऐसा लग रहा था कि वो स्वीकृत है। बाद में जब मैं उच्च अधिकारियों से वार्ता किया, यहाँ से लेकर लखनऊ तक दौड़ा किया, तो वो स्वीकृति उसकी नहीं मिली है। 11 किलोमीटर का पार्ट वो भी है, वो भी लगभग 40 करोड़ की सड़क है, उसको भी स्वीकृत कराना जनहित में बहुत आवश्यक मुझे दिख रहा है। कहीं कहीं देश की कनेक्टिविटी का एक बड़ा रोल हो सकता है। और हमारे जो पिछड़ा क्षेत्र है, हमारा जो मदनपुर से लगाई, सौरौना से लगाई, सोनबरसा, सारण छपरा सिसवा गोपाल, इन लोगों के लिए कनेक्टिविटी की सड़क है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उसकी स्वीकृति नहीं हो पाई है। लेकिन हम अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी में खड्डा पनियावा, सेकेंड प्रायोरिटी में खड्डा सिसवा, अब नेबुआ जटहा का भी धन हमें लग रहा है जब स्वीकृत हो जाएगा, तो चौथी हमारी प्रमुख सड़क बंजारी पट्टी से चंदापुर तक की है। लेकिन आप चले कि जल्द से जल्द, मुझे विश्वास है कि जल्द से, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे पास जो सीमित संसाधन है, संसाधन पूरा उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश में अभी 41 करोड़ का रिलीज हुआ, अभी 41 करोड़ का नेबुआ जो, तो एक विधानसभा में एक ही दो साल में 200-300 करोड़ रुपये एक ही बड़ी सभा की, छोटी मोटी सड़कें भी और भी बनी हुई हैं। आप बता तो रहे कि इस विधानसभा में 6 एक पकड़ी सड़क बनी है, एक नौरंगिया से ITI चौराहा को जाने वाली सड़क है, बहुत सड़क PWD के द्वारा लगभग जब से मैं 2 वर्षों में, आपको बता दूं कि 2 वर्षों में जितने मरम्मत होने वाली सड़क थी, अभी कर दे 2-3 सड़कें वो भी पास हो चुकी हैं, बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं। लेकिन हम कार्य में विश्वास करते हैं और दिखाने में, पहले दिखाना मुझे नहीं, मेरी आदत नहीं है। जैसे अभी आपसे मैं कहा कि नेबुआ जाटा को मैं दिखा नहीं रहा हूँ क्योंकि धन उसका नहीं जारी हुआ है, खड्डा सिसवा टेंडर हो गया तब मैं आपको बता रहा हूँ। तो विश्वास रखिए, आपके दिशा आप निर्देश, इसलिए मैं कह रहा हूँ दिशा निर्देश कि समय समय पर आप मुझे दिशा निर्देश देते हैं, और गांव वाले रिपोर्टर मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं दिल से बता रहा हूँ, हृदय से कह रहा हूँ कि मुझे आपके कड़वे सवाल भी अच्छे लगते हैं, क्योंकि कड़वे सवाल आपके जो होते हैं वो आपके कोई पर्सनल हित की नहीं होती है, समाज के लिए और क्षेत्र के लिए होती है। तो हर जनप्रतिनिधि को कड़वा सवाल को भी झेलना चाहिए और उससे सीख लेना चाहिए, और ऐसा प्रयास करना चाहिए कि कोई अगला रिपोर्टर पुनः मुझसे कोई कड़वा सवाल ना करे। खास करके मैं खड्डा पनियावा के लिए आपको बहुत धन्यवाद दूंगा, ताकि हमारे तमाम दर्शक
जो अलग अलग जिलों के रहने वाले हैं, गोरखपुर के हैं, महाराजगंज के हैं, जो इवन राजधानी से भी आते हैं पनिहावा मछली भुजा खाने, अब मुझे लगता है यह रोड नहीं बल्कि एक रोजगार का बड़ा अवसर प्रदान करेगा पनिहावा के लोगों के लिए। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करूंगा। लेकिन अब थोड़ी सी गुणवत्ता पे हम लोग बात करते हैं, ताकि पिछले कार्यकाल में जो है ये रोड बना था और कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन ये रोड 5 साल नहीं चल पाया, अब आपके कार्यकाल में बन गया, क्या उम्मीद करें 5 साल चल जाएगा? देखिए, पिछले कार्यकाल में क्या होता है, ये इतना मैं आपको बता दूं कि इस बार की जो कार्यकाल बनी है ये सड़क 5 साल तक कहीं कोई दिक्कत आएगी तो मेंटेनेंस का कॉन्ट्रेक्टर को ही दे ही है। अच्छा। इसीलिए कॉन्ट्रेक्टर का नाम और बोर्ड ये सब लगा दिया जाता है कि कहीं जरूरत पड़े वो जान जाए कि इसका किसके पास है, किसके पास काम है। और इसीलिए सरकार पहले बोर्ड लगवाती है कि आप जान जाइए कौन एजेंसी ये काम कर रही है। ये 5 साल इस सड़क का में कोई अगर कमी आती, किसी प्रकार का कोई टूट आज कोई नुकसान होती है तो कॉन्ट्रेक्टर उसी पैसे में इसको उसको बनाने का उसकी जिम्मेदारी है। और ये गुणवत्ता दिख रहा है, किसी प्रकार की कोई इसमें अगर बीच में गुणवत्ता में दिक्कत आएगी तो संबंधित अधिकारी और ठेकेदार दोनों को बख्शा नहीं जाएगा। पुरनका वाला हाल ना हो गारंटी के साथ कहता नहीं, 5 साल बढ़िया चली। अच्छा। अब बीच में अगर कुछ गड़बड़ हुई तो जे भी एम हुई वो ठेकेदार होके चाहे जे ही होके जे भी हो ओकरे ऊपर कार्रवाई हुई। थोड़ा सा हमने के खड्डा विधानसभा के, ताकि भोजपुरी आप बहुत बढ़िया बोले नहीं, तो खड्डा विधानसभा के विकास के लेके बात कर लिया जाए। आपके कार्यकाल के लगभग 2 साल पूरा होके वाला बा, अभी बताइए हमके खड्डा विधानसभा के लिए अब नया का सोचते हैं? लेकिन नया जो ना ग्राम सभा में बाने नहीं जाएगा और नया काम कराए वाला बानी। हाँ। अब इन्हें महाराज बताओ तो ये वाला पैसा ओकर स्वीकृत न रहता है, यही एगो बघई बा घाट बा, इसी बसडीला ग्राम सभा में बघई घाट है। कई सालों से यहाँ लोगों की डिमांड है वहाँ पुल के लिए, बहुत दिनों से लोग उस बघई घाट पे पुल चाहते हैं। वो ऐसा एरिया वहाँ पुल की आवश्यकता है, हमारा प्रयास जारी है, बहुत जल्द उस पर पुल की स्वीकृति होगी बघई पे जाने के लिए। बघई पर जिस प्रकार नवतार बंधे पे लगभग 15-20 साल से लोग नवतार बंधे पे रेगुलेटर की मांग कर रहे थे। लोग विधायक होते मेरा दूसरा काम वही था, क्योंकि नवतार में जब वोट मांगने में गया था तो लोग हमसे कहे थे कई विधायक लोग आईने लोग का कई के जाने लोग आ नवतार बंधा पर रेगुलेटर नहीं बनला, जिससे इधर के पकड़ी भगवानपुर बस्टीला सारे लोग की खेती बर्बाद हो जाती थी रेगुलेटर, और हर साल बंधा काटा जाता था। बंधा काटने पे पुलिस के द्वारा मुकदमा भी हो जाता था, बंधा जब करता था पानी जब भर जाता था तो गाँव के लोग मिलकर बंधा काट देते थे, पुलिस उस पर FIR करती थी, लोग परेशान थे। हमने वादा किया था चुनाव में और उस समय ही वादा किया था, और उस समय के तत्कालीन जल शक्ति मंत्री जो चुनाव के समय थे उनसे भी मैंने बात किया था, लेकिन उसके बाद होते ही विधायक हमारा वह प्रयास रहा और वह नवतार का रेगुलेटर 50% कार्य पूर्ण हो चुका है, पुनः पानी आने से रुका हुआ है, जिस दिन पानी सूख जाएगा वह बाढ़ खंड के द्वारा वो बनाया जा रहा है रेगुलेटर और बनकर तैयार हो जाएगा। उसी प्रकार इसी ग्राम सभा में एक और पुल की आवश्यकता है, लगभग 36 मीटर पुल की आवश्यकता है, 36 मीटर पुल का एस्टिमेट बनाकर कार्य योजना बनाकर बघई का पुल के लिए शासन में चला गया है। मुझे उम्मीद है कि इसी मार्च के पहले उसका धन आवंटन हो जाएगा और वित्तीय स्वीकृति मिल जाएगी, नहीं इधर होगा तो मार्च में जो बजट हम जारी करेंगे उस मार्च के बजट में जरूर हो जाएगा। ये रही इस ग्राम सभा की बड़ी बातें। इस क्षेत्र के लिए मैंने पहले ही बताया कि सबसे पहला काम नदी पार में जो उधर के लोगों के लिए भी एक योजना हम बनाए हैं। हमारे साथ क्या है कि हम प्लान करके पहले ही फ्लैश नहीं करते हैं, काम हो जाए तब बताते हैं, धरातल में काम दिखना चाहिए। हम फेसबुक पे व्हाट्सएप पे हम चिट्ठी सिर्फ लिखने विश्वास नहीं करते हैं, हम कार्य में भरोसा करते हैं। कार्य जब होगा दिखेगा तो अपने आप लोगों को पता चलेगा। और कार्य में नदी पार के लोगों के लिए पुल की आवश्यकता है, पुल के लिए परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज से मैं 2 राउंड मिल चुका, अभी मैं 10 दिन पहले भी महाराज जी से मिला था उसके लिए। महाराज जी ने कहा कि मार्च का बजट आने दो, लंबा बजट है, लगभग 400 से 500 करोड़ रुपया पुल पे लगेगा, और 400 से 500 करोड़ रुपया पुल पे लगेगा, मार्च के बजट आने दो, इसमें हम प्रयास करेंगे उसको स्वीकृत कराने के लिए, उस प्रयास मेरा रहेगा कि वो पुल स्वीकृत हो। ताकि मेरा एक आखिरी सवाल, ताकि खड्डा क्षेत्र सड़कों पर तो विकसित हो रहा है लेकिन स्वास्थ्य स्तर पर कहीं ना कहीं खड्डा क्षेत्र बहुत कमजोर है। सरकारी हॉस्पिटल में तमाम दवाइयाँ बाहर की पर्ची डॉक्टर लिखते हैं, मरीज जाता तो है कि सरकार बोलती है कि 1 रुपये की पर्ची पे फ्री ऑफ कार्ड सारा इलाज हो जाएगा, एक छत के नीचे सारी व्यवस्था मिल जाएगी, लेकिन उसको दवा बाजार से लेना पड़ता है। यहीं छितौनी नगर पंचायत में कोविड काल में एक हॉस्पिटल बना, मुझे लगता है वो हॉस्पिटल चालू हो जाए तो इस क्षेत्र के लोगों के लिए एक नया लकीर हो सकता है, लेकिन वो
भूख खा रहा है, खंडहर में तब्दील हो रहा है धीरे धीरे। प्रभाकर जी, मैं आपको अच्छा सवाल आपने किया शिक्षा स्वास्थ्य के बारे में। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, आज ही संभवतः भी हो सकता है जिलाधिकारी महोदय का आगमन होने वाला है और जिलाधिकारी के साथ उसके हम लोग विजिट करेंगे। जिस कोविड हॉस्पिटल की बात आप कर रहे हैं, आपका वहाँ कहना सही है, मैं जब विधायक हुआ तभी सबसे पहले मैं कोविड हॉस्पिटल का स्थलीय निरीक्षण करने गया था और मुख्य चिकित्सा अधिकारी के साथ। लेकिन जब मैं गहराई में गया, वो हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा नहीं बनाया गया है। अच्छा। वह एक सीआरएस फंड से, वह एक कोई कंपनी या संस्था है जिन्होंने कोविड काल में, कोरोना काल में, बहुत सारे ऐसी कंपनियां हैं जो कोविड हॉस्पिटल के नाम पे कोरोना काल में गिफ्ट दी, दान दी एनजीओ ने, तो एक उसी माध्यम से वो बना हुआ है। सरकार के द्वारा उसका निर्माण नहीं कराया गया, वो कंपनी बना दिया, लेकिन वो बनवाकर और स्थानीय हॉस्पिटल को हैंड ओवर कर दिया गया। मैं उस पर विधानसभा क्वेश्चन भी किया था, मैं इसके लिए डिप्टी सीएम से भी मिला था। 100 बेड का हॉस्पिटल कहा जाता है, लेकिन वह स्थानीय व्यवस्था से चलाना है। जब तक किसी हॉस्पिटल जैसे मेडिकल कॉलेज है, उसके लिए से अभी मैं आपको बता दूं कि खड्डा में 50 बेड का हॉस्पिटल का शिलान्यास हुआ और मेरे ही कार्यकाल में शिलान्यास हुआ, स्वीकृति हुई, और मैं शिलान्यास करने उसका नहीं गया, मैंने कहा कि मैं लोकार्पण करूंगा। और मैं आपको बता दूं कि बहुत जल्द खड्डा, आप तुर कहां जाइए तो SC ST भी देखिए, 50 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है और मुझे विश्वास है कि 2 से 3 महीना के अंदर मैं उसका लोकार्पण करूंगा, क्योंकि बनकर लगभग 80% काम कंप्लीट है, जो कंप्लीट हो जाएगा। और देखिए अभी IFR यूनिट का परसों फर्स्ट रिफरल जो यूनिट बोला जाता है सर्जरी के लिए, उसका हमने परसों वहाँ शिलान्यास किया। वहाँ स्टेप जैसे जब सरकार अपने प्लान से किसी हॉस्पिटल को डेवलप करती है, जैसे PSC और CSC, छितौनी के लिए अभी PSC वहाँ पे है, उसको हम प्रयास पे है कि अभी CSC में कन्वर्ट कराएं। CSC में करवा देंगे तो ऑटोमेटिक डॉक्टरों की संख्या वहाँ बढ़ जाएगी। CSC में करा दें, महिला चिकित्सा के रूप में, चिकित्सालय के रूप में वहाँ डेवलप करें, क्योंकि सरकार की योजना के हिसाब से अगर हम कोई डेवलपमेंट करेंगे और स्कीम में लेके करेंगे, हम कहीं से ला के कुछ रख दें, हॉस्पिटल तो वहाँ रख दिया बन गया, जनरेटर वहाँ रख गया, वो जो जनरेटर वहाँ रखा गया है उस जनरेटर में घंटा में 35 लीटर डीजल लगना है और वहाँ डॉक्टर की नियुक्ति होनी चाहिए। तो मैंने जब डिप्टी सीएम से मिला और कहा तो उन्होंने कहा कि इसको ये स्थानीय व्यवस्था इसको चलाना है, तो स्थानीय व्यवस्था से हमारे जो PSC CHE वो संचालित होना है। उसके बावजूद भी आज मैं जिलाधिकारी महोदय से 3 दिन पहले मैंने कहा कि कुछ प्लान किया जाए कि कोविड हॉस्पिटल जो बना हुआ है, हमें अगर कुछ गिफ्ट में मिला हुआ है तो हमारा धर्म मानता है कि उसको बेहतर ढंग से कैसे उपयोग में हम ले लें, हम कैसे उपयोग में ले लें। ठीक है, सरकार उस पर भी कुछ नहीं कर रही, लेकिन स्थानीय जिला स्तर की व्यवस्था से हम कुछ करें, इसके लिए प्रयास चल रहा है। हम जब वहाँ गए, वहाँ सीढ़ी नहीं बनी हुई थी, हमने नगर पंचायत से वहाँ सीढ़ी बनवाया चढ़ने के लिए, कुछ और भी लाइन का कनेक्शन की बात है, लाइन के लिए मैंने करवाया। मैं प्रयास में हूँ कुछ हॉस्पिटल में कुछ कार्य प्रारंभ किया जाए, लेकिन इसके साथ साथ जिस प्रकार खड्डा CSC में 50 बेड का हॉस्पिटल बना, बन के तैयार हो गया, 20 बेड का बच्चों के लिए हॉस्पिटल बना, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में कुछ परिवर्तन नहीं दिख रहा है, ये 2 साल के अंदर मैं जो बातें कह रहा हूँ इसको आप जाकर रिकॉर्ड पता कर सकते हैं कि 50 बेड का हॉस्पिटल खड्डा CSC में स्वीकृत हो गया है, अब बन रहा है, 75% बन के तैयार हो गया है इसी कार्यकाल में। 20 बेड का हॉस्पिटल बच्चों के लिए, जो बच्चों को एडमिट करने के लिए हमको पढ़ौना और गोरखपुर जाना पड़ता था, अब बच्चों के लिए 20 बेड का अलग से वार्ड ही आपका बन रहा है। इसी प्रकार छितौनी में भी हमारा प्रस्ताव होगा, इसके बाद के छितौनी में भी कराया जाए। मैंने मान के चले, डिजिटल एक्सरे आपको एक खड्डा में दिया गया है, क्योंकि पहले सरकार की प्लानिंग है, पहले CSC उसके बाद PSC, हमारे दोनों CSCO में पहले डिजिटल एक्सरे नहीं था। अच्छा। खड्डा भी डिजिटल एक्सरे दिया गया और नेबुआ नौरंगिया भी डिजिटल एक्सरे दे दिया गया, इसके बाद अब अगला डिजिटल एक्सरे छितौनी में ही लगेगा। लेकिन दिक्कत है, एक्सरे सब बाहर कराना पड़ता है। नहीं, अब अभी दिया गया है, हमें लग रहा है कि 1-8 महीने के अंदर वो आ जाएगा, धन स्वीकृत हो गया है, उसका 10-15 दिन में लग जाएगा, डिजिटल एक्सरे लग रहा है, और जब लग जाएगा तो हमारे वहाँ के मरीजों को बाहर एक्सरे नहीं करना, इसी सुविधा को देखते हुए कराया गया। एक मुद्दे पर आपको जरूर काम करना चाहिए ताकि सरकार, और जैसा कि आप बता रहे व्यवस्थाएं तो सब है, लेकिन उसका यूटिलाइज नहीं हो रहा है ग्राउंड स्तर पे। आप चाहे स्वास्थ्य महकमे की बात कर लीजिए, चाहे थाने की बात कर लीजिए, चाहे तहसील की बात कर लीजिए, जो सरकार की सुविधाएं हैं कि सरकार गरीबों के लिए योजनाएं चला रही है, गरीबों के लिए आवाज़ दे रही है, लेकिन उस आवाज़ को लेने के लिए आम जनता को इतना पापड़ बेलना पड़ता है, उसका 100 रुपये का चप्पल जो है घिस जाता है। देखिए, पहले से बहुत बेहतर हुआ है, पहले की सरकार में हमारी सरकार इसलिए डिजिटल पे ध्यान दे रही है, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। अगर आपको आज आय प्रमाण पत्र कर लेना है, ऑनलाइन कर दीजिए, आपको कहीं नहीं जाना है। पहले आय प्रमाण पत्र के लिए आपको लेखपाल और तहसीलदार के पास दौड़ना पड़ता था, अब घर बैठे जन सहज जन सेवा केंद्र पर जाइए, आय निवास
जाति जो बनवाना हो ऑनलाइन कर दीजिए, आपको बन के मिल जा रहा है। फिक्स टाइम कर दिया गया है कि एक हफ्ते के अंदर वो रिपोर्ट लगा के लगाना ही है और सबके पोर्टल पे शो करता है, और जिसके पोर्टल पे अधिक दिन लंबित रहता है उसके ऊपर विभागीय कार्रवाई भी की जाती है। इसी प्रकार दाखिल खारिज का भी, अन्य तहसील संबंधित कई ऐसे मामले ऑनलाइन कर दिया गया, ऑनलाइन थानों में FIR की व्यवस्था की गई है। हमारी सरकार ऑनलाइन व्यवस्था करके ये बीच में जो गैप है, बीच में जो बिचौलिया के लोग काम करते थे, जो माध्यम का काम करते थे, उनको खत्म करने का ही प्रयास है। डिजिटल कलर जो डिजिटल हो रहा है उसका कारण यही है कि अब बीच से कोई नहीं रहेगा, सीधे जिसका मामला रहेगा वही संबंधित आदमी उससे बात करेगा। हमें मान के चले आने वाले 3 साल के कार्यकाल में आपका खड्डा और विकसित होगा। मैं निश्चित रूप से आपसे कह सकता हूँ 10 साल पहले का भारत, 9.5 साल पहले का भारत, 7 साल पहले का उत्तर प्रदेश और आज का उत्तर प्रदेश में आपको अंतर दिखाई देगा, और आने वाले समय में जो और कमी रह गई है वो परिवर्तित होकर आपको दिखाई देगा। मैं इस बिटिया से ले लेता हूँ, क्या नाम है आपका? मिस्टर नेसा। अच्छा, अभी रोड बन गया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। पहले दिक्कत होती थी ना? क्या दिक्कत होती थी बताओ? आने जाने में बहुत धूल उड़ता था। अब सही है ना? तो विधायक जी को धन्यवाद बोल दो। धन्यवाद। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ विधायक जी, और उम्मीद भी करता हूँ कि आने वाले आपके कार्यकाल में खड्डा और विकसित होगा और मुझे दोबारा इस रोड पे न आना पड़े, 5 साल रोड चल जाए। विश्वास करिए दोबारा नहीं आ पड़ेगा, दोबारा आएंगे तो अच्छा ही रहेगा। कुछ कमी होगी तो आप मुझे बताएंगे तो फिर उसको सही करवाएंगे। बहुत धन्यवाद, आपने बात सही बात बताते हैं, और जो आपके द्वारा जो नोटिस दिया जाता है वो उसको जरूर संज्ञान लेता हूँ, क्योंकि आप जो हकीकत है ग्राउंड लेवल का वो आप हमसे उससे रूबरू कराते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी, आपने हमको समय दिया। तो हमारे साथ खड्डा विधायक विवेकानंद पांडे और खड्डा पनियावा रोड को गाँव वाले रिपोर्टर ने एक आंदोलन की तरह से काम किया। लगातार 3 दर्जन से ज्यादा खबरें करने के बाद आज आपको ये रोड चकाचक दिख रहा है। तो मैं सबको धन्यवाद देता हूं, गांव वाले रिपोर्टर के सभी दर्शकों को धन्यवाद देता हूं। और 5 साल जैसे विधायक जी बोले हैं कि 5 साल तक चलेगा, अगर नहीं चलेगा तो विधायक जी को फिर गांव वाले रिपोर्टर इसी रोड पे पकड़ेंगे, क्योंकि हम छोड़ते तो किसी को नहीं है। बाकी वीडियो बने रहने के लिए धन्यवाद। गांव वाले रिपोर्टर का आप सबको नमस्कार।